नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी एप्पल योगर्ट स्मूदी का रेसिपी, जो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अगर कोई डाइटिंग कर रहा है या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो पूरा रेसिपी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना। एप्पल योगर्ट स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए एप्पल। यहाँ पर मैंने एक एप्पल को काट के एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। शक्कर, अगर आप डाइटिंग के लिए बना रहे हो तो इसको स्किप कर देना। और एक बोल योगर्ट यानी कि दही। और डेकोरेशन के लिए हमें चाहिए और एक एप्पल और साथ में कुछ ड्राइड वाटरमेलन शीट्स। पहले हम एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें डालेंगे ए फ्रोजन एप्पल पीसेस और साथ में डालेंगे एक बोल दही। अब इसके साथ दो चम्मच शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। हम मिक्सिंग जार के ढक्कन बंद करके इसको मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम डेकोरेशन के लिए ये दूसरे एप्पल को इसी तरह पतले पतले राउंड पीस में काटेंगे। आप देख सकते हो ये एकदम एप्पल के पतले स्लाइस है। स्लाइस थोड़ा सा ठीक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें एप्पल के सारे स्लाइस मिल चुकी है। इस तरह के स्लाइस को भी फेंकना मत, ये भी काम आएगा। हम एक बोल लेंगे और उसके चारों तरफ इसी तरह एप्पल के स्लाइस से सजाएंगे। आप किसी भी शेप का बोल ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोल को डेकोरेट कर लिया। अब हमें एप्पल योगर्ट स्मूदी से ये बोल को भरेंगे। इसके चारों तरफ और थोड़ा सा एप्पल के स्लाइस से डेकोरेट करेंगे और लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ड्राइड वाटरमेलन शीट्स। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। हमने स्मूदी के अंदर शक्कर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए आप बस इसके ऊपर थोड़ा सा शक्कर डालेंगी। अगर आप ये वेट लॉस के लिए खा रही हो तो इस शक्कर को स्किप कर देना। तो रेडी हो गए हमारी फुल बोल ऑफ हेल्दी एप्पल योगर्ट स्मूदी। इसको घर में जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबाना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।